नमस्कार। भारत की आजादी को 73 साल हो गए। 73 साल के बाद भी भारत विकसित देश नहीं बना है। जानते हो क्यों? क्योंकि देश की समस्या को हम अपनी समस्या नहीं मानते। कोरोना फैल रहा है, देश की जीडीपी गिर रही है, ये सब सरकार की समस्या है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, यही हमारी सोच है। आज मुझे एक कहानी याद आ गई। एक राजा था जिसे अपने राज्य के लिए बहुत प्रेम था। वो अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करता था, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता, लेकिन सब योजनाएं फेल हो जाती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। वो बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसके राज्य में एक विद्वान साधु आते हैं। उस साधु को मिलने चले जाते हैं और पूछते हैं कि मैं मेरे राज्य और मेरे प्रजा के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं, मैं उसे सुखी और संपन्न देखना चाहता हूं, लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं? साधु ने कहा, तुम्हारे राज्य के बीच में एक खाली कुआं है, तू अपनी प्रजा के लिए एक फरमान जारी कर। आज रात इस कुएं में सबको एक ग्लास दूध का योगदान देना है। सुबह तक अगर कुआं दूध से भर गया तो तेरी प्रजा सुखी हो जाएगी, तेरा राज्य खुशहाल होगा। राजा ने सोचा, बस इतनी छोटी सी बात, ये तो हर कोई कर सकता है। वो खुशी खुशी घर गया और उसने फरमान जारी किया कि आज रात प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को एक ग्लास दूध कुएं में डालना है। कुआं अगर दूध से भर गया तो हमारा राज्य खुशहाल हो जाएगा, हम सब सुखी और संपन्न हो जाएंगे। सुबह उठकर राजा दौड़ता हुआ कुएं के पास गया और उसने देखा तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। पूरा कुआं पानी से भरा हुआ था। उसकी कुछ समझ में नहीं आया। वो साधु के पास पहुंचता है। साधु ने कहा कि लोगों ने, तेरी प्रजा ने यह सोचा कि सब लोग कुएं में दूध डाल रहे हैं तो मैं एक पानी डाल दूंगा तो किसे पता चलेगा, रात का अंधेरा है। बस यही सोचकर सबने कुएं में पानी डाला। हे राजन, अपनी सुखाकारी के लिए जो प्रजा एक ग्लास दूध तक का योगदान नहीं दे सकती, उसे कोई राजा सुखी नहीं कर सकता। वहां कोई योजना सफल नहीं हो सकती। सरकारें बदलने से देश नहीं बदलेगा। पिछले 73 सालों से हम वही कर रहे हैं। देश को बदलना है तो देश की समस्या को अपनी समस्या मानना होगा और उस समस्या के लिए चिंतन करना होगा। क्या हम हफ्ते में एक बार आधे घंटे के लिए देश की समस्या के बारे में चिंतन नहीं कर सकते? क्या हम अपना योगदान नहीं दे सकते? हम रोज 2 घंटे सोशल मीडिया में देते, हफ्ते में एक बार आधा घंटा देश के लिए भी हमें निकालना चाहिए। खासकर वो लोग जिसकी उम्र 50 के ऊपर है। 50 साल तक व्यक्तिगत सुख के लिए हमने बहुत काम किया। अब जिस देश से हमें मिला है, जिस समाज से मिला है, उसको लौटाने का वक्त आ गया है।
अब हमें सामूहिक सुख के लिए काम करना चाहिए, अब हमें देश और समाज को योगदान देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमें मिलकर देश की समस्याओं के बारे में चिंतन करना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए, तो इसी मकसद से ये चैनल बना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें और उनको प्रेरित करें कि इस चैनल के साथ जुड़े। परिवार में से एक सभ्य को देश के लिए आधा घंटा निकाल के देश की समस्या के बारे में चिंतन करना ही चाहिए और अपना योगदान भी देना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने लक्ष्य तय किया था। हमारा लक्ष्य है शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, ताकि हम हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी भारत का निर्माण कर सके। नेक्स्ट वीडियो से हम देश की समस्या के बारे में चिंतन करना शुरू करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें और अपना योगदान देते रहें। धन्यवाद।